नमस्कार साथियों, निपुण भारत मिशन 4 दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण के तृतीय दिवस का प्रतिवेदन इस वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है और प्रस्तुतकर्ता विजय लक्ष्मी, इंचार्ज प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर, ब्लॉक शेरपुरा, जनपद कासगंज, उत्तर प्रदेश, जिसका विषय है बुनियादी गणित कौशल का विकास 22 सप्ताह की योजना। प्रथम सत्र का आरंभ एआरपी श्री विजय सोलंकी जी एवं सहायक अध्यापक श्री संतोष कुमार प्राथमिक विद्यालय शिरपुरा द्वारा सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु प्रार्थना से हुआ। तदोपरांत द्वितीय दिवस की पुनरावृत्ति प्रतिवेदनों के माध्यम से लगभग 5 शिक्षक प्रतिभागियों द्वारा हुई और हम होंगे कामयाब एक दिन चेतना गीत हमारे शिक्षक साथी श्री ज्ञानेंद्र जी द्वारा प्रस्तुत कर सदन को ऊर्जा प्रदान की गई। हमारे एआरपी श्री हरिकृष्ण द्विवेदी जी एवं श्री महेश जी द्वारा सदन के सभी प्रतिभागियों का उत्साह वर्धन किया गया और इसके बाद सत्र 2 आरंभ होता है जो कि 60 मिनट का है, के अंतर्गत गणित शिक्षण में प्रचलित क्रम और कक्षा प्रक्रिया पर चर्चा एवं समेकन उपरांत गणित शिक्षण के क्रम का आधार ELPS पर बताते हुए एक वीडियो PPT के माध्यम से दिखाकर प्रकरण को स्पष्ट किया गया। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, L stands for language means भाषा और P stands for picture means चित्र, S stands for symbol means प्रतीक। तो ये क्रम होना चाहिए गणित शिक्षण का। नेक्स्ट, कक्षा प्रक्रिया और बच्चों की प्रतिभागिता कैसी होनी चाहिए, तो इसका भी एक क्रम है, जैसे मैं करूं, हम करें, तुम करो, ये होनी चाहिए। मैं करूं से तात्पर्य है कि पहले शिक्षक किसी भी कार्य को करेंगे या कोई भी समस्या का समाधान करेंगे, उसके बाद बच्चों के साथ शिक्षक मिलकर उनकी हेल्प करके उस समस्या का समाधान करेंगे और तदुपरांत बच्चों को करने के लिए वो सम या वो सवाल दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सत्र 3 जो कि 60 मिनट का है, में दक्षताओं की प्राथमिकता और वार्षिक योजना पर चर्चा उपरांत समेकन कर 2022-24 सेतु योजना की संकल्पना कर उच्च लक्षित दक्षताओं के प्रकार एवं उन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है पर चर्चा हुई। कक्षा 1, 2, 3 की लक्षित दक्षताएं क्या हैं, वार्षिक योजना 2022-23 में कक्षा 1, 2, 3 के शिक्षण उद्देश्य क्या हैं, अकादमिक सत्र 2022-23 में 22 शिक्षण सप्ताह के लिए शिक्षण योजनाओं को बताया गया। सत्र 4 जो कि 45 मिनट का है, में गणित शिक्षण हेतु साप्ताहिक और दैनिक योजना, अनुदेशात्मक कार्य 1 से 4 दिन तक और समेकन और आकलन 5वां दिन, रेमेडियल और पुनरावृत्ति 6वां दिन, सावधिक आकलन 11वें और 22वें सप्ताह, वार्षिक साप्ताहिक ट्रेकर, सावधिक कार्य पुस्तिका ट्रेकर जैसे कठिन शब्दों को बहुत ही सहजता से हमारे एआरपी श्री डॉक्टर अखिलेश सोलंकी जी द्वारा स्पष्ट किया गया। तदोपरांत भोजनावकाश में पूर्व दिवस की भांत सब्जी, चावल, पूरी, दाल, रायता आदि प्राप्त हुआ। लगभग 30 मिनट का भोजनावकाश के उपरांत सत्र 5 आरंभ हुआ जो कि 105 मिनट का है। इसमें साप्ताहिक शिक्षण, अनुदेशात्मक कार्य, साप्ताहिक चरण, अनुदेशात्मक कार्य के संसाधन, समूह कार्य, गणित की भ्रांतियां, उनके निवारण आदि पर चर्चा हुई जो कि एआरपी श्री सुरेंद्र जी द्वारा स्पष्ट की गई। और सत्र 6 75 मिनट में साप्ताहिक शिक्षण समेकन और आकलन 5वां दिन में
क्या क्या करना है को एआरपी श्री सुरेंद्र जी द्वारा पीपीटी के माध्यम से बताया गया। और इसके बाद सत्र 7, 8, और 9 में रेमेडियल और पुनरावृत्ति छठवां दिन में कैसे और क्या क्या योजना शिक्षण के दौरान अपनानी है को समझाया गया। 4:45 पर पुनः शाम की उपस्थिति दर्ज कर राष्ट्रगान के साथ तृतीय दिवस के प्रशिक्षण का समापन हुआ। धन्यवाद। साथियों, इस प्रतिवेदन की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। साथियों, इसी प्रकार सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।